आज मैं यहां पर एक जन जागरण अभियान के लिए आया। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के अंदर नागरिकता संशोधन कानून के लिए उसके समर्थन में जन जागरण अभियान का आयोजन करा और वो अभियान के तहत मैं आज इस वीर भूमि पर आया। क्यों आयोजन करना पड़ा, क्या बुरा है, क्यों इसका विरोध हो रहा है? क्योंकि जिनको आदत पड़ गई है वोट बैंक की राजनीति करने की, एक कांग्रेस पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, सीएए के खिलाफ एक दुष्प्रचार का अभियान शुरू किया और उस दुष्प्रचार के अभियान के अंदर देश की जनता, कई युवा गुमराह हुए और एक कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए। तब हमने तय किया कि लोकतंत्र है, चार लोग अपनी स्वार्थ के लिए भारत माता के और भारत माता के सपूतों के, मेरे शरणार्थी भाइयों बहनों के हितों के खिलाफ अगर जाते हैं तो हम भी जनता के पास जाएंगे और जन जागरण करेंगे। और इस सीएए कानून के लिए, नागरिकता संशोधन कानून के लिए हम देश की जनता के सामने हमारा पक्ष लेकर जाएंगे। मित्रों, आज कांग्रेस, ममता दीदी, एसपी, बीएसपी, एक केजरीवाल एंड कंपनी, ये कम्युनिस्ट, ये सारे विरोध कर रहे हैं और ये सारी पार्टियों को मैं आज चुनौती देने आया हूं। आप कहते हो कि इससे देश के अंदर अल्पसंख्यकों का नागरिकता चली जाएगी। राहुल बाबा, कानून पड़ा है तो कहीं पर भी चर्चा करने के लिए आ जाओ, और नहीं पड़ा है तो मैं इटाली में भी इसका अनुवाद कर आपको भेज देता हूं। इटाली की भी भाषा, उसको पढ़ लीजिए। मैं आज देश भर की जनता को कहना चाहता हूं कि जब नागरिक संशोधन कानून है, सीएए है, ये सीएए के अंदर, ये एक्ट के अंदर कहीं पर भी किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है, सिर्फ नागरिकता देने का प्रावधान है। मैं देख रहा हूं आप बोर्ड ऊपर ऊपर कर बता रहे हैं कि इससे आपको नागरिकता मिलने वाली है। आप डरिए मत, ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सीएए में एक इंच भी वापस नहीं।